हेलो गाइस, प्रीति और विशाल के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और हम बनाने जा रहे हैं दल पिट्ठी, तो कैसे बनाते हैं चलिए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इसमें हम इस कप से हम दो इससे डेढ़ कप हम डाल दिए हैं। सिर्फ तीन जने के लिए बनाना है, ज़्यादा के लिए नहीं बनाना है, इसीलिए थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। अब इसको हम धोकर पहले ला लेते हैं। देखिए अब इसमें हम दाल को वॉश कर लिए हैं, धो लिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे दाल बिठाने के लिए। इसे हम दो गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें हम नमक हल्दी डालेंगे, दो चम्मच इसमें हम अभी नमक डाल रहे हैं, बाद में इसके हिसाब से नमक डालेंगे, कम नमक डालेंगे। और थोड़ा सा देखिए आधा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा और डाल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं। इसको चार पाँच सीटी आने के बाद लो फ्लेम पर चार सीटी तक आने देंगे हम। ताले दाल बन रहा है ताले हम आटा गूंद लेंगे। देखिए इसमें जितना हम आटा लिए हैं और इसको हम गूंद लेंगे। हल्का को पानी डाल के आटा भी तो तैयार कर लेते हैं। देखिए मेरा आटा गूंदकर रेडी हो चुका है, सॉफ्ट हो गया, ये रेडी है। इसको काला से बना के चलिए इसको हम रोटी के साइज बना लेंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम इसको, गिलास से काटेंगे, इसमें थोड़ा जल्दी बन जाता है। देखिए इतना बड़ा हम लोग ये कर रहे हैं, इसको गोल शेप में दे देंगे। अब इसे थोड़ा सा आटा सूखा लगा के अब इसको बेल लेते हैं। ज़्यादा मोटा नहीं बनना है, ज़्यादा पतला नहीं बनना है। देखिए बस इतना ही बना है। अब इसमें हम गोल इस गिलास से काटेंगे। आप चाहे तो कचौड़ा से भी काट सकते हैं, गोल के सिर में होगा जो। देखिए कितना अच्छे से बन रहा है, वैसे ही दूसरा भी कर लेते सब। देखिए ऐसे गोल गोल सब काट लिए हैं। अब ये जो बचा हुआ आटा है इसमें निकाल देते हैं, इसको फिर से मिक्स कर देंगे उसी में आटे में कि जो सब काम हो जाए। अब इसको हम देखिए इसको ऐसे मोड़ना है, फिर ऐसे करना है, इसको फूल की जैसे बनता है, बिना फूल वाला भी बनता है। ये देखिए ऐसे, अब इसको साइड में रखते हैं, फिर दूसरा भी हम ऐसे ही बनाएंगे। किनको किनको दाल पिट्ठी पसंद है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बिना फ्राई वाला भी दाल पिट्ठी बनता है, फ्राई वाला आज फ्राई वाला बनाएंगे, एक दिन बिना फ्राई वाला बना के दिखाएंगे आप लोग। मुझे दो किस्म के आता है, और किस्म का भी बनता होगा फ्राइडी का। सो
सबको ऐसे ही बनाएंगे। अभी तीन सीटी और लगाना है। अब देखिए हम सारी ऐसे सुधार में थोड़ा सा लगा के फिर से दे सकते। अब देखिए मैं रोटी की सारी बेल ली है बस फिर से गोल गोल कर लेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं बनाए तब बन बनेंगे ठीक है। अब फिर से मेल ही बनाएंगे। आप लोग वैसे ज़्यादा काटा ज़्यादा मोटा लगेगा आप लोग गोल गोल। आप लोग अगर थोड़ा ज़्यादा मोटा लगेगा आप लोग छोटा छोटा लेके खा लेके इतना छोटा छोटा लोइया लेके बिल के भी आप लोग बना सकते हैं। अब ऐसे पसंद ना आए तो अब इसे हम सारा बना के सब लोग दिखाते हैं। दाल पाँच किलो क्या है चार से पाँच किलो लगाती है बेस्ट बनकर की और चिक निकल जाए तो उसमें बनकर की दोनों अंदर से और बना लेते हैं सब दिखाते हैं। देखिए कितना आटा बचा लिए इसका हम दूसरा दिखाते हैं आप लोग बना इसको इसको छोटा छोटा देखिए पहले वैसे किस सेम में दे देंगे गोल गोल लड्डू भी दिखा इसी गोल करके हाथ से लंबा कर देंगे हल्का सा पतला इसे दाल देंगे। कितना जगह देखिए कैसे बोलेंगे आप लोग दो तरीके से मतलब ज़्यादा ये नहीं बनते थोड़ा सी बनते। देखिए ये ग्रेवी बन गया है देखिए पूरा हम बना चुके हैं बना के रेडी है और अब डाल के सीटी निकाल चुका है डाल के ऐसे बनाए। देखिए दाल बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसको मिक्स कर देते हैं मिक्स करके इसको पानी ऐड कर लेते हैं और ऐड करेंगे। दफीटी में थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है इसलिए दो ग्लास पानी ऐड कर चुके हैं। ऐसे हम दफीटी के डाल देते हैं बस डूबने तक ही पानी रखना है उससे ज़्यादा पानी नहीं रखना है। ऐसे ही अब हम सब रख लेते हैं इसे हम सब ऐड इसमें रख दिए हैं। देखिए इसमें अब हम नमक डालेंगे नमक पहले भी डाले हैं इसलिए अब नमक कम डालेंगे। ये पहले के मिला के तीन चम्मच नमक हुआ इसमें हम चार चम्मच नमक डाल रहे हैं ऐड किए हैं और इसको हम सीटी लगा लेते हैं। हल्दी डाल दीजिए पहले थे इसलिए हल्दी नहीं डालेंगे। दो सीटी आने के लो ज़्यादा हाई नहीं ज़्यादा लो भी नहीं मीडियम फ्लेम पर करना है इसको। देखिए नहीं करना है ज़्यादा दो सीटी आ जाएगा तो बंद कर देंगे। देखिए दो सीटी लग गया है अभी सीटी निकल चुका है। चलिए खोल के देखते हैं हल्का सा बन के रेडी है। अब तड़का इसको लगाने का बाकी है थोड़ा सी अदरक लहसुन के यहाँ सा पेस्ट बनाएं थोड़ा सा प्याज काटें एक टमाटर काटें और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें आप और धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं आप लोग। कढ़ाई चला देते हैं। अब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो घी अच्छा तेल आप यूज कर सकते हैं। एक चम्मच में घी डालेंगे अब घी गर्म हो जाएगा तो हम जीरा डालेंगे। घी गर्म हो चुका है एक चम्मच में जीरा डाल रहे हैं एक सूखा लाल मिर्च डाल रहे हैं दो छोटा सा हल्का सा भून जाएगा। हम प्याज ऐड करेंगे पकाते टमाटर भून लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट भी लहसुन डाल देते हैं थोड़ी भूनना है दो तीन मिनट भी भूनना है। देखिए
प्याज थोड़ा सा भून चुका है, अदरक लहसुन भी पेस्ट भून लिया, इसमें टमाटर का जल जाएगा, है टमाटर जल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा धनिया धनिया के पाउडर है, जीरा मर्च इसमें मिक्स है पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर है, हल्का सा हल्दी डाल रही थी, हल्दी उसमें ऑलरेडी ही सीख में ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसको थोड़ा देर के लिए भून लेंगे, भूनने के बाद तब हम इसमें दलपी टी ऐड करेंगे। देखिए मसाला अच्छा सा भून चुका है, इसमें घी भी छोड़ चुका है, अगर बस इतना ही भूनना था, अब इसमें दलपी टी ऐड कर देते हैं। देखिए हम इसमें दल पीठी ऐड कर चुके हैं, ये बन के रेडी है दल पीठी। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, आप लोग मेरे तरीके से एक बार बना के खाइएगा जरूर। देखिए मेरा दल पीठी बन के रेडी हो चुका है और हम प्लेट में निकाल लिए हैं खाने के लिए, और मेरे तरीके से आप लोग बना के एक बार जरूर खाइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरीके से आप लोग बना के एक बार खाइएगा। गाइस आप लोग ने देखे हम दल पीठी कैसे बनाए, तो आप लोग प्लीज़ अगर दल पीठी जो रेसिपी हम बनाए आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो के, और चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और नए होंगे तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।